हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज मैं आपको 40x40 कंस्ट्रक्शन एरिया में बना हुआ एक डुप्लेक्स घर का जो है वॉक थ्रू दिखा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अगर आप नए हैं चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विद प्लान के साथ आपको दिखाता हूँ, लेट अस सी। और इसमें जो है टोटल 1 BHK पोर्शन ग्राउंड फ्लोर में एंड फर्स्ट फ्लोर में जो है ना 2 बेडरूम में डुप्लेक्स घर है। 2 बेडरूम प्लस जो रेंट पोर्शन रहता देखो उनके लिए भी एक सेपरेट पोर्शन दिया गया। एंड वीडियो कैसे लगा जरूर बताएगा। फर्स्ट आपको मैं प्लान दिखाता हूँ, प्लान देखिएगा उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। लेट्स सी। जैसे कि वर्ष यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्लान इस घर का। यहाँ पे देखो पूरा फुल पार्किंग एरिया दिया गया है। ये आपका साइज आता है 40 फीट बाय 18 फीट 6 इंच ओपन स्पेस। एंड यहाँ पे कॉलम इसको यहाँ पे ले गए और इधर आता है एक सिट आउट के बाद नेक्स्ट देखिएगा आना है आपका हॉल जिसका साइज़ 18 फुट 9 इंच बाय 16 फुट 3 इंच में। फिर उसके बाद यहाँ से आप एंटर होते हैं किचन, पूजा रूम और एक स्टोर रूम का साइज़ आपको मिल रहा है 5 फुट 3 इंच बाय 5 फीट में। यहाँ पर आ जाता है आपका किचन और इधर है आपका कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। इधर जो आता है आपका बेडरूम नंबर 1 जिसका साइज़ 10 फुट बाय 13 फुट में। एंड ये आता है आपका स्टेयरकेस साउथ की तरफ से। पीछे की तरफ क्या है, थोड़ा ऑड प्लॉट था तो 5 फीट 4.5 फीट तक जगह मिला है। चलिए अब हम इसका वॉक थ्रू देखते हैं। और उसके साथ पुराना वीडियोस देखना चाहते थे इस घर का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, ज़रूर एक बार आप चेक कर लो। ये आपका फर्स्ट फ्लोर स्टेयरकेस बेडरूम नंबर 2 9 फीट 6 इंच बाय 13 फीट। इधर आता आपका बेडरूम नंबर 1 10 3 बाय 13 फीट कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 3 6 बाय 7 फीट 9 इंच में। ये आपका हॉल 14 बाय 9 फीट, ये रेंट पोर्शन है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका घर, ये 40 फीट विड्थ। अभी यहाँ पर जो काम चल रहा है ये चल रहा है आपका फुटिंग, जो कंपाउंड वॉल रहता है उसका काम चल रहा है। ये सामने की तरफ इतना जगह मिल रहा है आपको पूरा फुल। फिर यहाँ से एंटर करते हैं नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ, क्या है आपका वेल बोरवेल, ये यहाँ पर कुआ लिया गया, एक कॉलम एंड की तरफ लिया गया। एक्चुअली एक कॉलम का फेस इस तरह से क्यों लिया गया, रीज़न यही है बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा है ना डिस्टेंस उसकी वजह से। यह आता आपका स्टेयरकेस 3 फीट 6 इंच प्लस 3 फीट 6 इंच का, इधर जो स्टेयरकेस मिल रहा है। यहाँ से एंटर करते हैं आपका मेन डोर की तरफ। एक सिट आउट, सिट आउट में ईस्ट की तरफ एक विंडो। यहाँ पर कुछ स्टोरेज के लिए जगह या फिर जो आप कुछ अचीवमेंट रहता है, टीचर हो कुछ जॉब्स करते हैं आप अचीवमेंट रहा तो यहाँ पे शेल्व्स में आप रख सकते हैं। ओके, उसके अलावा इधर से आपका एंट्रेंस था, ये आपका डोर मेन एंट्रेंस ओपनिंग रखा गया इसको। यहाँ से आप जाते हैं हॉल के अंदर, ये आपका हॉल इतना। इधर जो आपको मिल रहा है एक विंडो, विंडो का साइज़ 6 फीट बाय 4 फीट, थोड़ा बड़ा रखा गया। और देखिएगा जब भी आप लिंटल डालते हैं, विंडोज़ का पोजीशन हो या फिर शेल्व्स करते हैं ना, उस वक्त आपका आपका जो है टीवी कहाँ पे रख रहे हैं आप, वो सब प्रीप्लान रहना चाहिए। जैसे कि इस घर के लिए टीवी ये वाले पोजीशन पे आ जाए तो सिटिंग का पोजीशन जो है यहाँ पर आ जाएगा जहाँ पे मैं ठहरा हूँ उस वाले पोर्शंस पर। ओके, अब इधर से आप एंटर करते हैं तो इधर ही आपका पूजा रूम मिल रहा है आपको। पूजा रूम के पीछे स्टोरेज के लिए जगह और लिंटल 6 फीट 7 फीट हाइट की तरफ। यह आपका किचन एल शेप में विद डाइनिंग एरिया के साथ। इसका नीचे का जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ वर्क के लिए, जैसा एक बाथरूम ले सकते हैं वैसा कुछ। तो आपको एक बड़ा सा किचन मिल रहा है सफिशिएंट जगह में। एंड उधर एक एक्स्ट्रा डोर इसके तरफ। ओके, इसके ऊपर जो है लिंटल, स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए ना उसके लिए। एंड ये आपका विंडो, विंडो का साइज़ ऐसा 5 फीट लिया गया, ऐसा जो है 2.5 फीट तक मिल रहा है।
ये आपका स्टोरेज। चलिए दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ बेडरूम में। उससे पहले इस स्टेयरकेस के बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा अगले वीडियो में। इधर से देखो एंटर करते हैं आप बेडरूम। बेडरूम से पहले कॉमन टॉयलेट एंड बाथ। और इधर से बेडरूम, यहाँ पे बेडरूम में स्टोरेज के लिए एल शेप में लिंटल लिया गया पूरा। एंड यहाँ पे भी दो विंडो, एक साउथ की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। यहाँ पे आ जाएगा आपका बेडरूम, सो दैट आपको कहीं पे भी डिस्टर्बेंस ना हो, जब आप सोए तो प्राइवेसी रहना चाहिए। उसके अलावा तो ये था दोस्तों इस घर का जो है वॉक थ्रू, एक डुप्लेक्स घर का। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप नए हैं चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट टू रेज 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। इसी तरह से आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। हैव अ ग्रेट डे। Bye.